हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है रेस्टर के बारे में। तो काफी सारे यूट्यूबर उनका नाम यूज करके वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो लोग कभी दिखाते हैं कि वो लोग रेस्टर के साथ खेल रहे हैं, और कभी ये दिखाते हैं कि किसी रैंक मैच में उन्होंने रेस्टर को मार दिया। पर असल में इन सब वीडियो में रेस्टर रहता ही नहीं, बस वो लोग किसी को फेक रेस्टर बना के ये सब वीडियो बनाते हैं। तो इसी के ऊपर रेस्टर ने अपने चैनल पे कमेंट्री पोस्ट किया और उसमें लिखा था, गाइस बहुत बंदे है मेरे नाम से व्यूज ले रहे फेक को लेके, नाम नहीं बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसमें उन्होंने क्या कहा, पर उन्होंने इसमें किसी का भी नाम नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है वो किसके बारे में बात कर रहे थे, कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा अगला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका घर का एड्रेस क्या है, और इसके बारे में लोग उनके स्ट्रीम पे भी क्वेश्चन करते हैं। तो इसी के ऊपर बात करते हुए देसी गेमर्स ने ये कहा कि वो अपने एड्रेस रिवील नहीं करते। तो इसके पीछे क्या रीजन है और इसके ऊपर देसी गेमर्स ने क्या कहा, देख लीजिए। अरे मेरे घर में गाइस लोग वो मिलने आते हैं ना बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं मिल पाता हूँ, तो उन लोगों को बुरा लगता है ना, इसलिए मैं एड्रेस रिवील नहीं करना चाहता। इस चीज़ें एक्चुअली मैं तुम लोगों के लिए, हाँ मैंने देखा, मैं तुम लोगों के लिए रिवील करने में बड़ी बात नहीं है, बट जो लोकल लोग है ना वो समझते नहीं यार, वो डेली डेली आते हैं। चलो एक दिन आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक दिन मिल सकता हूँ, बट अभी मान लो इस टाइम घर के बाहर कोई बैठा होगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं पर मिलूँ, अगर मैं लोकल बंदों को बोल रहा हूँ, मेरे सिटी के बंदों को, अगर मैं बाहर कहीं पर मिलूँ तो मिलो यार, घर पर आना बंद करो यार। वैसे भी कोविड का टाइम है, बीमार 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 लेकर आओगे क्या होगा पता नहीं यार, क्या पता मैं बीमार हूँ तुम्हारे ऊपर लग जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कोविड का एरिया है, प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है यार। और अपना प्राइवेसी रहता है, और मैं अपना गांव क्या बोलते हैं, अपना जो गांव शहर जो भी अपना एरिया लोकल एरिया में मैं ऊपर बंदे मैं वो सब नहीं करना चाहता इसीलिए। अगला न्यूज है एस गेमिंग के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि उनके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक लगा है, और इसके वजह से उनका लाइफ टाइम भी डिसेबल हो गया। तो इसी के ऊपर बात करते हुए एस गेमिंग ने ये कहा कि जिसने उनको स्ट्राइक दिया है उससे उनका बात हुआ है, और वो स्ट्राइक हटाने के लिए काफी हद तक मान भी गए है। और इसी के साथ ही एस गेमिंग ने ये कहा कि उनको जो स्ट्राइक मिला है उसमें उनका भी गलती है। तो इन सबके बारे में बात करते हुए एस गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। अरे कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ चुकी है, बट वीडियो हम लोग लाइव स्ट्रीम तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन वीडियोस हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और एक खुशी की बात ये कि मेरी जो वो भाई है जिसने स्ट्राइक दिया था उससे मेरी बात हो चुकी है और बात चल रही है, वो शायद स्ट्राइक हटा देगा, तो उसको मैं थोड़ा सा, मेरी गलती भी थी, मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, लाइव स्ट्रीम जब करूंगा हट जाएगी स्ट्राइक, तो मैं आपको क्लियर करूंगा मेरी क्या गलती थी। तो उस भाई को सॉरी, उस भाई को प्लीज़ कोई भी बंदा हेट मत करो, आपको नाम शायद पता चल चुका है पिछले वाली वीडियो से, तो प्लीज़ उसको जाके कोई हेट ना करे, वो मना कर रहा है कि हेट ना दो, वो स्ट्राइक हटा देगा, उसने बात चल रही है मेरी उससे, तो प्लीज़ आप लोग जाके हेट ना दो, अगर आप हेट दोगे तो फिर यार उससे वो थोड़ा और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और हमारे लिए बुरा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वक्त थोड़ा सा आप लोग समझो बात को, रुकिए, एंड मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो बस ये एक अच्छी खबर है कि हमारा चैनल शायद स्ट्राइक वो हटा देगा, उसने बोला है वो हटाने वाला, यूट्यूब से बात कर रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो चलो वीडियो। और कुछ दिन पहले अघोरी गेमिंग के चैनल के मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था, पर अभी तक उनका ये इश्यू ठीक नहीं हुआ। तो इसके ऊपर उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, लैपटॉप मांग के लाया हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ है देखना पड़ेगा, वीडियो के लिए खेद है दोस्तों, अभी बहुत ज्यादा ही टेंशन में हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कुछ नए कॉन्टेंट के साथ वापस आऊंगा अभी। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसमें अघोरी गेमिंग ने क्या कहा, तो अभी तक उनका ये इश्यू ठीक नहीं हुआ जिसके वजह से वो टेंशन में है, और इसी के साथ ही इसमें उन्होंने कहा कि वो एक नए कॉन्टेंट लाएंगे, तो अभी देखते हैं कि उनका ये नया कैसा होता है। बात करते हैं नूब गेमर बीबेफ के बारे में। तो उन्होंने जो फेम क्लेशर के रोज वीडियो को लेकर रिप्लाई दिया था, उसके बाद फेम क्लेशर ने अपने चैनल के एक वीडियो को प्राइवेट कर दिया। इसी वीडियो में फेम क्लेशर ने पहले बीबेफ के वीडियो के बारे में अच्छा बोला था। तो इसी के ऊपर बात करते हुए बीबेफ ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया, तो इस क्लिप में उन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए। तो बिरादर से यहाँ पर है वो 6 महीने पुराने वीडियो जहाँ पर मैंने तारीफ करते हुए वीडियो बनाया था, बट अभी अगर कल वाली वीडियो के बाद यहाँ पर ये क्लिक करोगे ना तो लिखा आएगा दिस वीडियो इज प्राइवेट, क्या बात है, बट फुल वीडियो मेरे पास है, बचाते रहो बॉयज। और इसी के साथ ही बीबीएफ ने ये कहा कि वो अब सीओसी गेम को रेगुलर खेलते हैं और सीओसी गेम के वीडियो वो ला सकते हैं। तो इसके ऊपर बीबीएफ ने क्या कहा, देख लीजिए। सीओसी का क्या ख्याल है, मेरे भाई सीओसी डेली खेलता हूँ मैं, अभी एकदम भाई नशा चढ़ गया सीओसी का, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने छोड़ दिया था, बट एक वीडियो जब बनाया ना उसके बाद मैं डेली खेलने लगा हूँ, डेली बिल्डर्स वगैरह जो है अपग्रेड पे रखता हूँ हमेशा सब कुछ, तो अभी डेली खेलता हूँ भाई, जो सच है मैं सोच रहा हूँ भाई इसके अंदर भी आएगी वीडियो, टेंशन मत लो भाई, सीरीज बना दूंगा भाई।
अगला न्यूज़ है रोमियो गेमर के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया था जिसके ऊपर एक बंदे ने उनको रिप्लाई देते हुए गाली दिया। तो इसके ऊपर रोमियो गेमर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, सोचता हूँ कभी कभी बात करूँ तुम सबसे, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही इसी होते है। और इसी के साथ ही नीचे उन्होंने लिखा, मम्मी से पूछो तेरा असली बाप कौन है, अगर नाम रोमियो ना लिया तो चैनल तेरे नाम कर दूंगा। तो आप लोगों ने सुन लिया कि इसमें रोमियो गेमर ने क्या कहा। तो वो बस इस बंदे के ऊपर गुस्सा थे और उनको गाली दिया गया था जिसके वजह से उन्होंने ये रिप्लाई दिया। और अगला से टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल उन्होंने अपने चैनल पे एक टॉक शो किया था और उनके साथ उनके इस वीडियो में शामिल थे फौजी अजय और देसी गेमर्स। और इसमें उन्होंने स्पोर्ट के ऊपर बात किया कि कैसे इंडिया में स्पोर्ट ग्रो कर रहा है और क्या क्या फायदा मिलता है स्पोर्ट खेलने से और स्पोर्ट प्लेयर को। और इसके साथ इसमें फौजी अजय ने अपने स्पोर्ट करियर के एक्सपीरियंस शेयर किया। तो इसके एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप अगर आपने बात करेगी वन टैप की, तो देखो टूर्नामेंट के अंदर वन टैप ज्यादा कुछ काम नहीं आता। आपको मेन क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीम के साथ, ठीक है। आपको जोन की नॉलेज होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, साथ में आपका गन पावर होना चाहिए। हाँ, अगर आप टूर्नामेंट में आपको वन टैप लगते हैं तो सोने पे सुहागा है, बट अगर आप सिर्फ वन टैप के चक्कर में रहेंगे तो सामने आपको एक बंदा नहीं मार रहा कि आप उसको एक को मार दोगे, आपको सामने चार बंदे मिलकर मारेंगे, तो आपको वन टैप नहीं लग पाएगा गाइस। तो वन टैप के भरोसे मत रहिए। हाँ, अगर लगता है तो अच्छी बात है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो गेमिंग डेविल एमडी ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, ब्लैकपिंक गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 800 के सब्सक्राइबर और हेल्पिंग गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।